जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संतोष पर। हमने दोस्तों बहुत कमेंट आ रहा है कि ज्वाइनिंग कब होगा, मेडिकल रिपोर्ट कब आएगा। तो दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन मेरे पास था, जो पता चलता है आपके पास पहुंचाते हैं हम लोग। तो दोस्तों जान रहे हैं CTI बीटा में ट्रेनिंग चल रहा था, जो फायर में कार्यरत थे गृहरक्षक उनका ट्रेनिंग चल रहा था, तो आज ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों कुछ वहाँ से यही है नोटिस कि 20 तारीख तक चौथा महीने में ज्वाइनिंग हो सकता है। तो दोस्तों पहले आपका मेडिकल रिपोर्ट आएगा तब होगा, समझिए। तो मेडिकल रिपोर्ट अब क्यों नहीं आ रहा है इस पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पता चल रहा था कि 20 तारीख को आएगा, 20 तारीख आज 24 तारीख हो गया, फिर भी कुछ संशय बन रहा है। तो दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट जैसा आप देखिए, 5 दिन 7 दिन अब जो आए, अब एक के पहले आ जाए, अब तो मेडिकल हो चुका है। अब जितना देर लग रहा है क्योंकि अब हो ना हो के वो, क्योंकि बिहार दिवस में भी सब बिजी हो, विभाग के द्वारा जल्द ही कराया जाएगा ज्वाइनिंग। तो बीटा से अब ट्रेनिंग जो गिरक्षक वहाँ कर रहे थे CTI बीटा में फायर में जो कार्यरत हैं उनका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग घर में हैं तो मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोग अभी क्या कीजिए, तो अपना SBI का अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि SBI का अकाउंट आप ट्रेनिंग सेंटर जाइएगा तो वहाँ भी खुलता है। लेकिन आप लोग देरी हो रहा है ज्वाइनिंग में तो आप लोग घर ही खुलवा लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर जाइएगा तो सब आदमी ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाएगा। तो आपका कहीं का भी SBI का अकाउंट रहेगा तो आपका वहाँ मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका वहीं। लेकिन आप जब यहाँ खुलवाते हैं अपने नजदीकी शाखा में, तो आप लोग को क्या करना होगा कि साधारण ही खुलवा लीजिए, आपका जो खुलता है पैन कार्ड आधार कार्ड देके, जिससे साधारण खुलता है खुलवा लीजिए। खुलवाने के बाद उसके बाद क्या करना है, आप ट्रेनिंग सेंटर जाइएगा, आपका आई कार्ड एक बनेगा, तो आई कार्ड और पासपोर्ट दो साइज का फोटो लेके आपको फिर बैंक में जाना होगा, वहाँ पर PSP अकाउंट करवा लेना होगा। दोस्तों जब आप लोग घर में हैं तो खुलवा लीजिए, क्योंकि वहाँ का टेंशन नहीं रहेगा। तो वहाँ जाइएगा तो PSP अकाउंट का फ़ायदा क्या है दोस्तों, आज जिससे आप लोग देखते हैं साधारणतः आदमी खुलता है तो PSP अकाउंट में फ़ायदा क्या है कि आप मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं, जिससे 0 रुपया भी आपका खाता में रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना अकाउंट से किसी भी बैंक के ATM से कितना बार भी निकाल सकते हैं पैसा। अब देखे होंगे आप लोग कि कहीं PSP अकाउंट नहीं है तो आपको पैसा चार्जिंग लगेगा, लेकिन इसमें PSP अकाउंट है तो आपका PSP अकाउंट क्या होता है, पुलिस सैलरीज पैकेज। ये SBI द्वारा विशेष रूप से हर राज्य के पुलिस कर्मियों को ये सुविधा प्रदान करती है, रैंक के अनुसार इसको खोला जाता है। सिपाही हवलदार को सिल्वर, उसके बाद DIG रैंक तक को प्लेटिनम तक का कार्ड मिलता है। तो दोस्तों ये सब सिपाही है तो आपको PSP अकाउंट, इसका फायदा क्या, प्रोसेसिंग फी, जिससे आप लोन लेते हैं तो लोन, क्योंकि हर आदमी गरीब फैमिली से इसमें आता है सिपाही, तो उसमें आपको लोन लेते हैं कि सब आदमी लेता है, 99% आप सिपाही अपना पूछिएगा आस पड़ोस में तो सब लोन ले लेता है, क्योंकि कहीं ज़मीन लेना है या कुछ बड़ी इनकम की ज़रूरत पड़ती है तो लोन ही एक सहारा होता है सिपाही के लिए, क्योंकि जो मंथली मिलता है वो खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों तो उसमें क्या होगा कि आपका प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, तो प्रोसेसिंग फ़ी 50% में आप मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना है, आपका जो 0.5% इंटरेस्ट जो होता है जितना भी आप लेते हैं लोन उसका कम लगता है। PSP अकाउंट का फायदा, आपका निशुल्क दुर्घटना बीमा 20 लाख का कवर है, और आप यदि आपका शादी उदी हो जा रहा है तो उसमें सोना वोना रखने के लिए लॉकर की सुविधा, उसमें भी 50% की छूट आपको मिलती है। और उसके बाद आता है कि आपको SBI योनो ऐप जो होता है कि आपका एक मिनी स्टेटमेंट होता है कि आप जितना बार आप देख लीजिएगा मेरा पैसा कैसे आया, कैसे गया, कहाँ नहीं गया, ये सब सारा डिटेलमेंट रहता है। अब हर बैंक का भी तो आ गया है मैसेज मिस कॉल की सुविधा आ गया, तो इसमें भी है। तो दोस्तों अनेक ऑफर आता है कि आप ऑनलाइन भी लोन ले सकते हैं, चाहे छूट है, चाहे LIC चाहे कार लोन की सुविधा, आपको SBI योनो में हमेशा दिखाते रहता है कि आप ये ले लीजिए, आपको छूट है, कार लोन मिलता है, स्टूडेंट लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, सब छूट मतलब हर लोन पर आपको 0.5% छूट मिलता है PSP अकाउंट। तो दोस्तों आप लोग घर में खुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आइएगा ट्रेनिंग सेंटर, फिर बैंक के कर्मचारी आएंगे खुलवाएंगे।
उसके बाद यदि आपका खुलवा लिया जाता है तो यदि आपको जहाँ भी ट्रांसफ़र आजकल समय ऑनलाइन है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन SBI योनो ऐप के माध्यम से भी पटना में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप यहाँ आते हैं, आपको मन में दो को अकाउंट खोलने के लिए SBI का, तो कितना आदमी को डाउट रहता है कि SBI का दो अकाउंट नहीं होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज दो अकाउंट होता है, क्योंकि मेरा दो अकाउंट है, क्योंकि पहले मैं झारखंड में रहता था तो मेरा वहाँ एक अकाउंट था, तो हमको उसका सिग्नेचर नहीं मिलता था, तो हम उसको बंद करवाने के लिए गए तो नहीं बंद हुआ। तो फिर क्या हो कि मैं यहाँ आया, ज्वाइनिंग किया, तो यहाँ बोले कि वहाँ बंद करवाना होगा, तो हमको जाना पड़ता, ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी दो दिन का ले गया। तो फिर मैंने बात किया मैनेजर से, तो बोले कि एक उपाय है कि आपका उसी CIF नंबर, एक होता है उसी CIF नंबर पर दूसरा अकाउंट खुलता है, तो जो मेरा खुला हुआ। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप एक घर में खुलवा लीजिए, उसी ऐप पे आपका सैलरी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नज़दीकी शाखा में रहेगा तो और फायदा है, यदि पटना में रहता तो वहाँ एक यही फायदा रहता है कि आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपको एक दिन के अंदर लोन मुहैया करा दिया जाता है, चाहे कुछ भी काम के लिए आप पटना जाते हैं बैंक के डिटेल्स के बारे में, तो एक दिन में आपका हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी सिपाहियों का खुला रहता है एक साथ, तो इसलिए वहाँ कुछ रिलीफ मिलता है। हम लोग जब भी जाते हैं तो यहाँ से कॉल कर देते हैं वहाँ, तो लोन हम लोग का चाहे जो भी है सुविधाएँ एक दिन में 24 घंटे के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों कहीं भी रखें, घर में है तो अभी ये सारी सुविधाएँ आप लोग खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड अति आवश्यक है, सब लोगों के पास होना चाहिए। तो दोस्तों यही है, 20 तारीख अगला महीना सूचना मिला है। तो दोस्तों अब वो ये भी बोलिए कन्फर्म है, तो हम लोग कहाँ से कन्फर्म है, देखिए हम लोग यहाँ बकरी यहाँ पर हैं फायर स्टेशन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ ड्यूटी है, तो हम लोग को वहाँ जो सूचना मिलेगा आप लोगों के पास जाएगा, जब भी कुछ भी नोटिफिकेशन हम लोग के पास आएगा तो आप लोग के पास जाएगा। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बताइए, तो दोस्तों हम लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा आ जाएगा। हम लोग को 1 तारीख को सूचना था, बहुत कैंडिडेट को भी मालूम होगा कि 1 तारीख को सूचना था, तो दोस्तों ये बढ़ जा रहा है डेट, अब आइए नहीं रहा है मेडिकल का रिपोर्ट, तो क्या बात है। अब उतना गहन अध्ययन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं जाके, हम लोग यहाँ हैं जो सूचना आता है वहीं आपके पास इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों आप लोग घर में है तो मौज मस्ती से रहे, कोई दिक्कत ना है, लेट हो रहा है कोई दिक्कत ना है, अरे हो जाएगा उसके बाद, तो अपना चांदी है। जय हिंद जय भारत।